you <laughs> मेरा नाम है पास के केदावी और सबका इस वीडियो में स्वागत हो यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आश्चित करे और नया साल का हर दिन आपके जीवन में नई खुशी और नया आनंद और नई उमंग लेके आए और जैसे शीर्षक से आपको पता चला होगा कि आज हम दो व्यक्तियों की जीवन यात्रा के ऊपर हम गोल करने वाले हैं पृथ्वी की जीवन यात्रा उनकी पृथ्वी की जीवन यात्रा और उनकी अनंत काल की जीवन यात्रा अभी ये जो है ये एक सच्ची घटना है ये कोई कहानी नहीं है और ये कोई दुष्टांत नहीं है ये एक सच्ची घटना है जो कि हो गई है अभी आपको एक प्रश्न होगा, अनंत काल का जीवन का मतलब क्या है देखो एक बात हमें और आपको समझनी है और उसके ऊपर हमें विश्वास करना है यदि अगर हम उसको अगर बाद में समझेंगे और बाद में हम विश्वास करेंगे तो हो सकता है कि वो देर हो चुकी होगी तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि, कि इसके ऊपर विश्वास करना इसलिए आप खुपिया करके ये संदेश को जो है वो ध्यान से सुनिए और अंत तक देख लेना शुमसी आपको आशिस्त करेंगे देखो सबसे पहले हम पैदा हुए हैं अनंत काल के लिए हम आए अनंत काल के लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि हमारा अंत नहीं होने वाला है इसका मतलब यह है कि हम हजारों 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 साल जीने के लिए हम पैदा हुए हैं यह बात के ऊपर जो है कम लोग विश्वास करते हैं हम यहां पे पचास साल या साठ साल या सत्तर साल जीने के लिए नहीं आए हैं हम आए हैं अनंत काल के लिए यह बात आपको समझनी होगी मगर मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते उनको लगता है कि हम सिर्फ यहां पे सत्तर साल अस्सी साल और नब्बे साल के लिए आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं नम्रता से ये जो बात जो है जिसके ऊपर आप विश्वास करते वो झूठ है और वो झूठ कहां से आया है वो झूठ आया है नरक की आग से हम यहां पे आए हैं अनंत काल के लिए है हम यहां पे आए हैं हजारों साल जीने के लिए हम जो है हम थोड़े सालों के लिए नहीं आए हैं। ये बात आपको समझनी है क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं उनको लगता है कि हम सिर्फ यहां पे 50, 60, 70 साल के लिए हैं इसलिए जो भी जीवन मिला है उसमें ऐश करो और उसके बारे में वो सोचते भी नहीं है मगर मैं आपको बताना चाहता हूं हम पैदा हुए अनंत काल के लिए मगर आप कहेंगे पास्टर जी आप क्या बात कर रहे हैं लोग हर दिन मर रहे हैं लोग जो है वो 10 साल की उम्र में मर रहे हैं 20 साल की उम्र में मर रहे हैं लोग 50 साल क... उम्र में मर रहे हैं और आप यहां पे कह रहे हैं कि हम जो है हम आए हैं अनंत काल के लिए हम हमारा अंत नहीं होने वाला है तो ये कैसे मुमकिन है देखो आपको लगता है कि लोग मर गए हैं मगर वो मरे नहीं है वो जिंदा है हमें लगता है कि हाँ ये ये मर गए हैं मगर वो जिंदा है मगर एक बात आपको समझ में है सब में आत्मा होता है और शरीर होता है शरीर जो है वो आत्मा के लिए आवरण है और शरीर जो होता है वो नाशवंत होता है शरीर अनंत काल के लिए नहीं है मगर जो आत्मा जो है वो आत्मा जो है वो अनंतकाल के लिए है और आत्मा का जो है उसका नाश नहीं होता है और आत्मा यानी हम हमारी जो पहचान जो है वो शरीर से नहीं है आपको लगता होगा कि आपकी पहचान शरीर से है नहीं शरीर से नहीं है वो आत्मा से है आत्मा यानी हम तो इसका मतलब है कि हम जो है हम अनंत काल के लिए है ये बात आपको समझनी है शरीर जो है शरीर जो नाशवंत है और इसलिए जब लोग मरते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ अभी खत्म गया वो मर गए नहीं नहीं उनका जो शरीर जो है शरीर खत्म हुआ है मगर जैसे ही उनका शरीर खत्म हो जाता है आत्मा जो है वो शरीर से भाग आता है पहले से अभी ज्यादा जिंदा है और उसके बाद जो है वो अनंत काल का जीवन जो है वो शुरू हो जाता है तो अनंत काल का जीवन बिताने के लिए हमें सिर्फ दो जगह है एक तो स्वर्ग और नवक अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवक नहीं है नवक जैसी जगह है ही नहीं और जैसे कि आपको मालूम होगा एक क्रिश्चियन के धर्म गुरु जो मीडिया में आ गए और उन्होंने ऐलान किया कि नवक नहीं है मैं बताना चाहता हूं यह गलत है और यीशु मसीह जो है यशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा नवक के बारे में लोगों को बताया है इसलिए हकीकत है स्वर्ग हकीकत है नवक भी हकीकत है और हमें सिर्फ दो जगह है हमारा अनंत काल का जीवन जो है वो वो बिताने के लिए और एक है स्वर्ग जहां पे हम यशु मसीह के साथ हम आनंद से हम रह सकते हैं अनंत काल के लिए है और दूसरा जो है वो नर्क जिस जगह में हमें हर दिन हमें थड़पना थड़पना तड़पना होगा तो भाइयों हो बहनों हमें इस जब हम इस धरती पे हैं तो हमें इसके बारे में हमें सोचना है कि मुझे अनंत काल का जो जीवन है वो कहां पे बिताना है क्या मुझे स्वर्ग में बिताना है या मुझे नर्क में बिताना है तो यह हमें सोचना है हम बहुत सारे अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं और यह बहुत अच्छी बात है मैं इसके खिलाफ नहीं हूं हम योजना बनाते हैं कि हम शादी के बाद हम कहां पे रहेंगे हम योजना बनाते हैं कि जब हम होंगे तो कहां पे हम हाँ अपना समय बिताएंगे ऐसे हम योजना करते रहते वो अच्छी बात है मगर ये बहुत आवश्यक है कि अनंत काल के जीवन की योजना बनाना क्योंकि क्योंकि पृथ्वी पे हम सिर्फ छह साठ साल सत्तर साल और अस्सी साल में के लिए है मगर अनंत काल का जो जीवन है वो जीवन का कभी अंत नहीं है और इसलिए उसके बारे में हमें सोचना है मगर उसके पहले आपको यह विश्वास आपको करना पड़ेगा कि हम पैदा हुए हैं अनंत काल के लिए है हम सिर्फ पचास साल साठ साल सत्तर साल के लिए हम आए नहीं है हम आए हैं अनंतकाल जीवन जीने के लिए इसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तब आप उसके बारे में आप सही निर्णय ले सकेंगे मगर यदि आप बाद में अगर इसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी होगी और उस वक्त आप खुश भी नहीं कर सकते और तो यही समय है ये निर्णय लेने का कि मुझे अनंत काल का जीवन पे बिताना है मुझे स्वर्ग में बिता, बिताना है या मुझे नवक में बिताना है क्योंकि ये सिर्फ दो जगह जो है जहां पे हम हम अनंत काल का जीवन बिता सकते हैं तो आइए हम जाएंगे लुक सोलह में और लुक सोलह में हम जैसे मैंने कहा कि हम दो व्यक्ति की जीवन यात्रा के ऊपर आज गौर करने वाले हैं तो लुक सोलह में जो है ये दो व्यक्तियों के बारे में बता है एक है धनवान मनुष्य आदमी और दूसरा जो है वो है कंगाल भिकारी लाजर तो ये दो व्यक्ति के बारे में आज हम गौर करने वाले हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक सच्ची घटना है मगर बहुत जो है वो कहते हैं कि ये सच्ची घटना नहीं है दुष्टांत है मगर ये सच्ची घटना है ये कोई दुष्टांत नहीं है जब यशु मसीह जो है जब दुष्टांत देते हैं तो वो पहले बताते या तो उसके बाद में बताते कि ये एक दुष्टांत है मगर यह एक सच्ची घटना है तो एक धनवान मनुष्य और दूसरा जो है वो है भिकावी लाजर, तो इसके बारे में जो है वो आज हम गौर करने वाले उनकी जीवन यात्रा पृथ्वी पे उनका जीवन कैसे था और उसके बाद अनंत काल का जो जीवन है वो उनका कैसे था इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं तो हम जाएंगे लुकसोला में एक धनवान मनुष्य था वो राजसी बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनता था और प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था तो इसका मतलब है कि वो प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ वो रहता था अब यहां पे क्या लिखा है कि वो राजसी बैंगनी वस्त्र पहनता था अभी देखो जो बैंगनी जो वस्त्र होती है बैंगनी रंग की जो वस्त्र होती है वो उस उस समय प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था और ये जो वस्त्र जो थे वो बहुत ही महंगे थे इसलिए सिर्फ जो राजा जो है और बहुत बहुत अमीर लोग जो है वही उसको पहन सकते थे अभी जैसे अभी आप अभी आपको मालूम है कि कोई भी रंग के जो कपड़े हैं अभी आसानी से मिल जाते हैं मगर उस समय जो है वो बैंगनी जो रंग का जो वस्त्र है बैंगनी जो रंग है वो मिलना बहुत मुश्किल था वो कहां से लेके आते थे वो लेके आते हैं समुद्री घोंगे से घोंगे का जो खून होता है उससे वो उस रंग जो है वो रंग को लेके आते थे और जैसे कि आपको मालूम है एक घोंगे से जो है वो कम खून आएगा तो इसलिए वो हजारों हजारों जो घोंगे हैं उनको पकड़ने पड़ते थे और पकड़ने के बाद को खून को वो निकालते थे जटिल प्रक्रिया से जाना पड़ता था और उसके बाद ये जो है ये बैंगनी जो रंग है वो मिलता था और इसलिए जो था इसलिए बैंग, बैंग बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना जो था वो वो सामान्य लोगों के लिए वो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही बहुत ही महंगा था तो सिर्फ जो राजा लोग थे सिर्फ जो बहुत अमीर लोग थे वो जो है वो बैंगनी रंग के वस्त्र वो पहनते थे और जैसे कि अब हमने देखा कि ये जो मनुष्य था वो भी राजसी बैंगनी वस्त्र पहनता था अभी वो राजा नहीं था मगर उसके पास वो राजसी बैंग वस्त्र थे तो इसका मतलब है कि ये जो था ये बहुत ही पैसे वाला इंसान था और यहां पे लिखा है कि और वो मलमल भी पहनता था अभी जैसे कि आपको मालूम है कि मलमल जो होता है उसका धागा बहुत ही मजबूत होता है और वो जो मलमल जो कपड़ा होता है वो बहुत ही शोषक होता है और कपास की तुलना में तेजी से सूख जाता है और उस उन दिनों में जो मलमल जो होता था वो पवित्रता का प्रतीक होता था और बड़े बड़े जो राजा होते थे जैसे कि जो मिस्र का जो राजा था तुतुन खामेन तो वो जो है वो मलमल की जो कपड़े होते थे वो पहनता था तो यानी उस वक्त जो था वो मलमल के कपड़े जो थे वो बहुत ही बहुत ही महंगे थे तो सिर्फ जो राजा लोग थे और जो अमीर लोग थे वो सिर्फ मलमल के जो कपड़े जो है वो पहन सकते थे तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मनुष्य था बहुत ही पैसे वाला था ये बैंगनी बे, वस्त्र के कपड़े पहनता था मलमल के कपड़े वो पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था हर दिन जो है वो जीवन की खुशियाँ वो लेता था वो अयश्य करता था तो ये जो अमीर आदमी है वो अच्छे पदार्थ खाता था अच्छी शराब पीता था और उसका जो घर था वो शहर का सबसे अच्छी हवेली ह हवेली थी और वो उस दिन का एक प्रभावशाली हस्ती था जैसे आज की जो भाषा है उसमें हम कह सकते वो एक बड़ा सेलिब्रिटी था और सब लोग जो है अमीर लोग उसके साथ रहना पसंद कर, करते थे उसके साथ समय बिताना पसंद कर, करते थे तो ऐसा ये अमीर आदमी का जीवन था अभी यहां पे लिखा है आगे उसके भवन के फाटक पर लाजर नामक एक गरीब आदमी पड़ा रहता था, था क्या लिखा है उसके भवन के फाटक पर अभी जैसे मैंने कहा उसका जो भवन था वो जो शहर में सबसे बढ़िया भवन हवले थी मगर उसके फाटक पे जो था लाजर नाम का एक गरीब आदमी पड़ा रहता था अभी ये जो आदमी था वो गरीब था वो भिखारी था वो कंगाल था अभी पे लिखा है कि एक गरीब आदमी पड़ा रहता था मगर जब आप हिंदी के दूसरे अनुवाद में जाते हैं उसमें ऐसा लिखा है और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था तो इससे हमें पता चलता था कि वो जो, वो जो जो लाजर जो है जो पिकावी जो है वो वहां पे अपनी इच्छा से नहीं था उसको जो है जबरदस्ती जो है उसको वहां पे लोग छोड़ दिया जाते थे अभी कौन लोग उसको छोड़ते थे अभी दो हो सकते हैं एक तो हो सकता है कि ये जो आमिर आदमी है आमिर आदमी का ये काम हो सकता है क्योंकि लाजर जो है उससे मदद की हमेशा गुजारिश करता था तो इसलिए हो सकता है कि ये जो अमीर आदमी ने उसको उसको धक्के मार के उसको जो उसका जो फाटक है उसके ऊपर उसको छोड़ दिया होगा मरने के लिए तो शास्त्र पे कहता है और लाजर नाम का एक घाव से भरा हुआ था यानी उसके शरीर पे घाव थे उसके शरीर पे जो थे सब फोड़े थे और उस फोड़ो से जो है वो मवाद निकलता था और उसका जो गंध था वो बहुत ही बुरा घंध गन था और पूरे शवि में जो थे वो 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 फोड़े थे वहां से वो मवाद निकलता इससे लोग जो है लोग उसके नजदीक आना पसंद नहीं नहीं करते थे उससे बात करना पसंद नहीं करते थे तो इसलिए हो सकता है कि बाकी के जो लोग जो है, उनको उन्होंने उसको यहाँ पे छोड़ देते रहेंगे तो हमने अमेर आदमी के बारे में हमने पढ़ा कैसा था उसका जीवन हर दिन वो अयाशी करता था अच्छा खाना अच्छा पीना अच्छा रहे ना तो सब कुछ था उसके पास और दूसरी तरफ था लाजर जो भिखावी था जो कमजोर था जिसके शरीर के ऊपर सब फोड़े हुए थे फोड़ फोड़ में से मवाद निकलता था और कोई भी जो है कोई उसके नजदीक आना पसंद नहीं करता था कोई उस, उसकी मदद करना पसंद नहीं करता था वो बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन जो है वो जीवा था और लोगों ने उसको मरने के लिए वहां पे छोड़ा था आगे हम पढ़ते हैं उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था वो धनवान मनुष्य की मेज की जुटन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था कुत्ते आकर उसके फोड़े को चाटा करते थे तो अब इससे पता चलता कि ये जो लाजर जो है वो कंगल था भिकारी था मगर साथ में जो था वो साथ में वो उस फोटो के वजह से वो वो कमज़ोर भी हुआ था भूख के वजह से कमज़ोर भी होता था, था क्योंकि वो खुद जो है वो खुद वो कमा नहीं सकता था वो दूसरे के ऊपर निर्भर था वो बहुत ही कमज़ोर था कुछ नहीं कर सकता था लोग उसकी मदद नहीं कर सकते थे तो वो जो था वो दूसरों के ऊपर वो निर्भर था और यहाँ पे लिखा है कि वो धनवान मनुष्य की मेज की झूटन से अपनी भूख मिटाने के लिए वो वोसता था तो देखो उस समय जो है चमच नहीं थे लोग चाकू काटे से खाना नहीं खाते थे खाना होने के बाद जो अमीर लोग जो थे वो रोटी के ढेर पर वो अपने हाथ को जो है वो साफ करते थे और जो रोटी जो थी उस रोटी जो थी उसको फेंक दिया जाता था तो लाजर जो है उस वोटी का इंतजार करता था अभी देखो कितनी वो रोटी गंदी होगी क्योंकि ये जो अमीर लोग थे, जो थे वो हाथ से जो है वो हाथ उस वोटी से वो साफ किया करते थे और उस वोटी को वो फेंक देते दे थे लाजर जो था कमजोर वो खुद कुछ नहीं कर सकता था इसलिए वो जो है वो उस रोटी की प्रतीक्षा में होता था और उसके साथ साथ जो कुत्ते जो थे वो भी उसी जो रोटी के प्रतीक्षा में होते थे यानी लाजर और जो कुत्ते जो है उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं था लाजर जो है वो बहुत ही कठिन जीवन से वो गुजर रहा था और यहाँ पे लिखा है कि कुत्ते आकर उसके जो फोड़े हैं उसको चाटा देते थे तो इससे पता चलता है कि लाजर इतना कमज़ोर था कि वो कुत्तों को जो है वो वो भगा नहीं सकता था उसके शरीर पे फोड़े थे फो, फो, फोड़ जो होते हैं उस फोड़ों के घाव से वो मवाद निकलता और कुत्ते जो है वो आके उस घाव को वो चाटते थे लाजर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था वो खुद की खुद को खुद की मदद वो नहीं कर सकता था कुत्तों को वो भगा नहीं सकता था तो ऐसे जीवन लाजर जी रहे थे आदमी जो था वो सब कुछ था उनके पास मगर ये जो लाजरज जो भिकारी था वो बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन वो जीवा था और उसको जबरदस्ती उस फाटक के ऊपर लोगों ने रखा था मरने के लिए आइए हम आगे पढ़ते हैं और ऐसा हुआ कि वो कंकाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया अभी देखो यहां पे इस वचन से यह पता चलता है कि जब लाजा जो है जब उसका देहांत तो हुआ तो उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वह कंगाल मर गया उसके बाद कुछ नहीं लिखा है तो लाजा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ क्योंकि लोग जो है जब वो जिंदा था तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे लोग उसकी घूना करते थे लोग उसके नजदीक आना पसंद नहीं करते थे क्या वो मरने के बाद उसको सही विदाई देंगे नहीं तो इसलिए पवित्र शास्त्र में इसके बारे में यहां पे कुछ नहीं कहा है मगर धनवान के बारे में कहा है यहां पे क्या कहा है कि वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि जो धनवान जो था उसका अंतिम संस्कार हुआ और बड़ी शान से वो अंतिम संस्कार हुआ होगा जैसे कि आपको मालूम है कि अगर कोई भी अगर जो जो बड़े आदमी होता है जो अमीर आदमी होता है जब उसका देहांत तो हो जाता है तो बड़ी शान से जो है उसका अंतिम संस्कार जो है वो करते हैं और हो सकता है कि इस अमीर आदमी को यूशलम में जो जैतून के पहाड़ पर उसकी कब्र बनाई होगी और उसको बड़ा सम्मान दिया होगा क्योंकि जो जैतून के जो पहाड़ है उसके ऊपर जो अमीर आदमी है सिर्फ उनकी जो कबर है वो रह सकती है तो बड़ी अलीशान से ये जो अफीर आदमी जो है वो मर गया उसका जो है अंतिम संस्कार हुआ मगर लाजर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ क्योंकि को, कोई भी उसको नहीं चाहता था उसको मरने के लिए वापस छोड़ दिया था तो ये था लाजर और जो अमीर आदमी है उनका पृथ्वी के ऊपर उनका जीवन अभी हम आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि उनका अनंत काल का जीवन कैसे था जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी अगर मर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हुआ यह नहीं कि उनकी पहचान खत्म हो गई यह गलत धारणा है जब कोई भी अगर इंसान जो है वो मर जाता है वो मरता नहीं है उसका जो शरीर जो होता है उसका शरीर खत्म हो जाता है उसका शरीर का नाश हो जाता है आत्मा जो है वो शरीर से बाहर हो भार आ जाता है और उसका जो है दूसरा जीवन जो है वो चालू हो जाता है वो मरता नहीं है इसलिए जो भी लोग आ जो भी लोग मर गए हैं तो ये मत समझो कि ये ये मर गए हैं वो जिंदा है वो सिर्फ दो ठिकानों में अभी वो हो सकते हैं एक तो है स्वर्ग में हो सकते हैं या तो वो नवक में हो सकते हैं दूसरी तीसरी कोई भी जगह नहीं है आई हम आगे बढ़ते तेईस में, में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूसरे इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा अभी क्या हुआ अभी उनका अनंत काल का जीवन शुरू हुआ देखो मैंने कहा कि आ, व... लोग बलते नहीं है उनका शवीर मर जाता है मगर फिर भी वो जिंदा रहते हैं अभी यहां पे क्या हुआ यहां पे जो अमीर आदमी जो है अभी अमीर आदमी जो है वो कहां पे गया वो गया अधिलोक में जैसे मैंने कहा कि सिर्फ दो जगह पे हम जा सकते हैं एक तो है स्वर्ग या नरक या अधि अधोलोक तो वो अधोलोक में गया और यहां पे पवित्र शास्त्र कहता है कि वो पीड़ा में था जब वो धरती पे था तो वो वो तो था वो सुख में था वो मजे में था सब कुछ था उसके पास अच्छा खाना अच्छा रहना अच्छे कपड़े मलमल -मल के कपड़े पहनता था बहंगनी रंग के वस्त्र पहनता था बढ़िया जीवन था उसका मगर जब वह अधुलोक पे गया तो अधलोक में वो था पीड़ा में था क्योंकि अधलोक में कोई भी खुशी से नहीं रह सकता है जैसे मैंने कहा कि नरक में हर दिन जो है हर दिन तड़पाया जाता है नरक में सिर्फ आग 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 होती है और पानी नहीं होता है और वो जो पीड़ा जो होती है वो खत्म नहीं होती है तो ये अमीर में था अधिलोक में वो अधिलोक में क्यों था क्योंकि क्योंकि जीवन भर जो था उसने उसके बारे में अपने अनंत जीवन के बारे में सोचा नहीं है वो सिर्फ जो है पृथ्वी का जो जीवन है उसके पर वो ध्यान देता था मगर Nepcri... जो अनंत काल का जो जीवन है उसके बारे में उसने सोचा नहीं है वो अपने जो अयास में वो इतना व्यस्त था तो उसके बारे में उसने सोचा नहीं है परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं है और इसलिए वो था वो अध में था वो पीड़ा में था अभी वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए भाइयों बहनों बहुत आवश्यक है तो इस बात पे ऊपर आज हमें विश्वास करना है और आज है हमें निर्णय लेना है कि हम मुझे अनंत काल का जीवन पे बिताना है मुझे स्वर्ग में बिताना है या मुझे नरक में बिताना है अगर ये आ, अभी बात भी अगर ये सोचता था तो आज वो अधलोक में नहीं होता इसमें क्या क्या लिखा है और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई तो ये जो अमीर आदमी है या अभी भी कापे है वो अभी भी वो है नवक में वो सालों बीते गए इस घटना को मगर ये अमीर आदमी जो है वो आज अभी भी वो उस नवक की आग में वो तड़प रहा है और वो बाहर नहीं निकाल सकता अभी उसने दूसरे इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा अभी लाजर जो था भले उसका जो जीवन था वो पृथ्वी पे बहुत मुश्किल सा जीवन था खाने नहीं मिलता था बीमार था कमजोर था अकेला था कोई भी उसके नजदीक नहीं आना चाहते थे कोई भी लोग उससे घूना करते थे मगर जब उसका दूसरा जीवन चालू हुआ जब उसका अनंत काल का जीवन चालू हुआ वो था स्वर्ग में और अभी भी जो है वो लाजर जो है वो ऐशु मसीह के साथ स्वर्ग में है अभी हम आगे पढ़ते हैं वचन चोइस उसने पुकार कर कहा पिता अब्राहम तो ये जो आमिर आदमी है उसने उसने कहा पिता अब्राहम पर दया कीजिए और लाजर को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीप को ठंडा कर करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं मगर यह बात समझने बहुत आवश्यक है क्योंकि लोग जो है उसकी इसके ऊपर विश्वास नहीं करते लोग कहते कि अगर कोई भी इंसान मर जाता है तो सब कुछ खत्म कोई पीड़ा नहीं होती है जैसे कुछ धर्म गुरु कहते कि नरक है नहीं सिर्फ स्वर्ग है कुछ कुछ कहते हैं कि हम सब जन जो है हम स्वर्ग में जाने वाले हैं क्योंकि नरक है ही नहीं है ये सब झूठी बातें हैं जैसा स्वर्ग है वैसा नरक है और यशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा नवक के बारे में बा, बात की है अभी यहां पे ये जो अमीर आदमी था अमीर आदमी का जो शरीर जो था उसका तो नाश हुआ था मगर फिर भी जैसे कि यहाँ पे कहता है पवित्र पवित्र शास्त्र कहता है कि पिता अब्राहम पर दया कीजिए और लाजर को भेजिए जिससे वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीप को ठंडा करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ अभी देखो उसके पास शरीर नहीं था तो भी उस तो भी जो स्पर्श की जो भावना है वो वो अनुभव कर रहे थे भयानक दर्द में थे वो देख भी सकते थे क्योंकि उन्होंने इब्राहिम को और लाज को देखा वो बात भी कर सकते थे उनको दर्द भी होता था उनको प्यास भी लगी थी जैसे हमें लगती है शरीर में इसलिए भाइयों बहनों यह बात समझने बहुत आवश्यक है कि शरीर जो है ये शरीर सिर्फ आत्मा के लिए आवरण है शरीर जो है वो नाशवंत है आत्मा जो है आत्मा यानी हम और जैसे हमने देखा ये जो आमिवाद बिछा था जब उसका अनंत काल का जीवन शुरू हुआ तो वो था नवक में था और वो सब कुछ जो है वो अनुभव कर रहा था वो उस पीड़ा को अनुभव कर रहा था वो प्यास को अनुभव कर रहा था वो सब कुछ देख रहा था इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें अनंत काल के जीवन के बारे में सोचना आगे पढ़ते है। अब हैं अब्राहम ने उससे कहा पुत्र याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजर को दुख ही दुख अब उसे यहां सांत्वना मिल रहा है और तुम्हें यंत्रणा इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक गहरी खाई अवस्थित है इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी से वाहपाल हमारे पास नहीं आ सकता जैसे मैंने कहा कि जब हमारा अनंत काल का जीवन शुरू होगा तब हम कुछ नहीं कर सकते जो भी हमें करना है हमें इस पृथ्वी पे करना है जो भी निर्णय हमें लेना है इस पृथ्वी पे लेना है इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है कल पता नहीं है कल आप स्वर्ग में हो सकते हैं या नवक में हो सकते हैं मगर आज उद्धार का दिन है तो यह जो अमीर आदमी था अमीर आदमी था उसने अनंत काल के जीवन के बारे में सोचा नहीं जब वो नवक में था तो उसने सोचना जो है वो शुरू किया मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकता उसको तड़पना होगा अभी भी वो तड़प रहा है नरक में सब जगह आग ही आग अभी तक वो प्यासा है वहां पे कोई पानी लाके देगा नहीं वहां पे कोई जो है वो वो खाना देगा नहीं भूखे प्यास तड़पना होगा तड़पना होगा तड़पना होगा तड़पना होगा और इससे भाइयों बहनों बहुत सारे लोग जो है वो एक झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं और वो जो झूठ जो है वो नवक की आंख से है वो झूठ यही है कि हमारा जीवन जो है वो सिर्फ पचास साल का है साठ साल का है सत्तर साल का है ये झूठ है हम आए अनंत काल के लिए हम पैदा हुए अनंत काल के लिए हमारा नाश नहीं होने वाला है तो हमें निर्णय करना है हमें शोक में अनंत काल का जीवन बिताना या नवक में वचन सत्ताईस धनवान मनुष्य ने उत्तर दिया पिता आपसे एक निवेदन है लाजर को मेरे पिता के घर भेजिए क्योंकि मेरे पांच भाई है। लाजर उन्हें चैतव दे कहीं ऐसा न हो कि वे भी यंत्वन... के स्थान में आ जाए अब्राहम ने उससे कहा मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है वे उनकी सुने धनवान मनुष्य कहा पिता अब्राहम, वे कहा सुनते हैं परंतु यदि मुर्दो में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे भाई ने उससे कहा जब वे मुसा और नबियों की नहीं सुनते तब यदि मुर्दे में से कोई भी उठे तो वे उसकी बात भी नहीं मानेंगे अभी जैसा ये जो अमीर आदमी है अमीर आदमी को पता चला कि अभी कुछ नहीं हो सकता वो स्वर्ग में जान नहीं सकता तो अभी जो है अभी वो अपना जो परिवार है उसके बारे में सोच रहा है जो उसके जो भाई थे पांच भाई थे बड़ा परिवार था हो सकता है कि उनकी बीविया होगी हो सकता है कि वो सब पांच भाई उनके बच्चे हो गए उसके बारे में जो है ये अमीर आदमी अभी सोच रहा है मगर बहुत देव हो चुकी है अगर जब वो पुतली पे था जब वो खुद के बारे में सोचता था और ये भाइयों के बारे में सोचता था तो कुछ हो सकता था मगर अभी कुछ भी नहीं हो सकता उसने कहा मेरे पांच भाई है ला को भेजिए ताकि वो उनको बता सके मगर अभी बहुत देर हो चुकी है तो ये था दो व्यक्ति उनकी जीवन यात्रा अमीर आदमी मनुष्य और भिखारी लाजव कंगाल लाजव कमजोर लाजर। पृथ्वी पे दोनों का जो जीवन था वो अलग था और अनंत काल का जीवन भी अलग था मगर एक बात याद रखना कि लाजर जो है वो अनंत काल वेश मसीह के साथ हर दिन वो खुशियां मनाता होगा आवाज भी वो ऐशु मसीह के साथ रहेगा मगर ये जो अमिवाद भी जो है वो आज तक वो तड़पता होगा वो तड़प रहा है उस नवक की आग में अभी कुछ नहीं हो सकता पृथ्वी पे उसने जो समय था वो समय को गवाया है अभी ये जो सच्ची घटना है उसका सारांश क्या है सारांश ये नहीं है कि जो अमीर आदमी है जो अमीर आदमी नवक में जाएंगे या जो गरीब है वो स्वर्ग में जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है देखो सब अमीर आदमी नवक में नहीं जाएंगे सब जो गरीब आदमी जो भिकावी जो है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे स्वर्ग जाना जो है वो आप गरीब है या आप धनवान है उसके ऊपर निर्भर नहीं है आप पढ़े लिखे हैं या आप अनपढ़ है इसके ऊपर निर्भर नहीं है आप अच्छे काम करते हैं या आप अच्छे काम नहीं करते इसके ऊपर निर्भर नहीं है आपके पास बंगलो है या आपके पास झोपड़ी है उसके ऊपर निर्भर नहीं है आपके पास कितना बैंक बैलेंस है उसके ऊपर निर्भर नहीं है आपको कितने लोग पहचानते हैं इसके ऊपर निर्भर नहीं है वो सिर्फ एक बात के ऊपर निर्भर है वो है याशु मसीह क्या आप याशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं या नहीं इसके ऊपर निर्भर है क्या यीशु मसीह को आप परमेश्वर समझते हैं या नहीं क्या यशु मसीह ने जो कुछ के ऊपर जो महान कार्य किया है क्या इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं या नहीं इसके ऊपर निर्भर है तो हो सकता है कि लाजर जो है जब वो पुत्र पे था तो उसका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो बढ़िया था हो सकता है कि वो परमेश्वर से हर दिन वो प्रार्थना किया करता था वो विश्वास किया करता था मगर ये जो अमीर आदमी था उसके पास पैसा था सब कुछ था पैसा होना पाप नहीं है अच्छे कपड़े पहनना पाप नहीं है अच्छा खाना खाना पाप नहीं है मगर आप सिर्फ उसका ही अगर आप सोचेंगे अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे मगर आप परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे आप परमेश्वर के साथ अपना जो संबंध है वो आप बढ़ाएंगे नहीं तो उसका कुछ मतलब नहीं है तो भाई और बहनों बहुत आवश्यक है जो हमें जीवन अभी मिला है बहुत ही आवश्यक के निर्णय करना कि मुझे अनंत काल का जीवन कहाँ पे बिताना है स्वर्ग में बिताना है या नरक में बिताना है हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए धन्यवाद देते कि जो जो महान काव्य आपने के ऊपर किया है उससे हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है और हम जो है वो पाप मुक्त हो चुके हैं यह सब प्रार्थना यशु के मसीह के नाम से करता हूं अमेन